आपको कैसे पता अयोध्या में रामलला पैदा हुए? आपको कैसे पता कि रामलला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी लॉजिक को मानती ही नहीं, तो बड़े सारे वकील बिना एविडेंस के ही फांसी चढ़वा देते। तीन तरह के मत होते हैं, मत विचार। वन इज मिथोलॉजी। मिथोलॉजी मींस यू आर सेइंग समथिंग बट विदाउट एविडेंस। तुम कुछ कह रहे हो लेकिन तुम्हारे पास उसका एविडेंस नहीं है, दैट इज मिथोलॉजी विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय रिस्पॉन्सिबल पीपल। ये सिविल सर्विस जो प्रिपरेशन है, इट्स अ प्रिपरेशन फॉर ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट। इसलिए एनसीईआरटी में जहां जहां भी एविडेंस नहीं है वहां एनसीईआरटी तुरंत कहती है ऐसा लगता है। बिना एविडेंस के जो लोग बोलते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। साक्ष्य, लॉजिक नहीं। अगेन बोथ आर वेरी डिफरेंट। लॉजिकली यू कैन प्रूव एवरीथिंग। लॉजिक मतलब होता है कि एक आदमी है जिसका दिमाग बड़ा शार्प है और वो किसी भी चीज को प्रूव कर सकता है। इसलिए लॉजिक वाले आदमी से जिसका हाई लेवल लॉजिक है उसको डिबेट में हराना बहुत मुश्किल है। पर लॉजिक यूपीएससी नहीं मानती, कोर्ट नहीं मानता, कोर्ट लॉजिक में बिलीव नहीं करती। जुडिशरी, कोर्ट एविडेंस में बिलीव करती है। ऐसे ब्यूरोक्रेसी भी एविडेंस में बिलीव करती है। आप कुछ कह रहे हो तो वॉट एवर यू आर सेइंग यू हैव टू इमीडिएटली प्रेजेंट द एविडेंस। दूसरी चीज है हाइपोथेसिस, मींस रिसर्च इज गोइंग ऑन। कोई मत है, कोई विचार है, उसके सपोर्ट में भी पॉइंट है, उसके अगेंस्ट में भी पॉइंट है, हाइपोथेसिस। और तीसरी चीज है थियरी, हेंस प्रूव्ड। एविडेंस है, तुम जो कह रहे हो उसको प्रूव कर सकते हो। पहली चीज तो ये सीखनी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रिपरेशन। वॉट एवर आई विल स्पीक फ्रॉम हियर आई विल गिव द एविडेंस, नो लॉजिक। वॉट एवर यू विल स्पीक फ्रॉम देयर यू विल गिव द एविडेंस, नो लॉजिक। और अगर मैं आपको एविडेंस नहीं दे रहा हूं तो आपको 5000% राइट है हाथ उठाकर पूछने का, मास्टर किस एविडेंस में बोल रहे हो। जैसे तुम अगर ठाकरे मूवी देखो तो उसमें बाल ठाकरे लॉजिक का सहारा लेता है, एविडेंस का सहारा नहीं लेता। वो जो वकील के साथ बहस होती है, कहता आपको कैसे पता अयोध्या में रामलला पैदा हुए, कहता बाबर कहां पैदा हुआ, बोलते फरगाना में, तो फरगाना में से यहां क्यों आया। अगर तुम उस पूरी सीन को देखो तो उस पूरी सीन में बाल ठाकरे ने सिर्फ लॉजिक का सहारा लिया, एविडेंस उनके पास कुछ भी नहीं है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। कभी कभी तुम लॉजिक देते हो, तुमको लगता है कि बहुत सही जा रहे हो। नहीं सर, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी लॉजिक को मानती ही नहीं। एविडेंस, अगर लॉजिक पे मुकदमे लड़े जाते ना तो बड़े सारे वकील बिना एविडेंस के ही फांसी चढ़वा देते। सर जिस वक्त हत्या हुई ये घर में बैठ के हंस रहा था, इसके मरने से चूंकि इसको फायदा हो रहा था